आप भी हैं। हाँ बना तो रहा हूँ। हाथ दर्द हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। सुबह बाथरूम में गिर गया था। कब? देखूंगा सुबह, ज्यादा दर्द होगा तो क्या देखोगे? पट्टी बांधूंगा फिर। उल्टा लटका दूंगी पंखा, चला दूंगी पंखा, गोल गोल गोल। नहीं दर्द, अभी दर्द होने लगा, पहले नहीं हो रहा था। बस हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। और सुबह का टाइम है तो यहाँ बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चे में छोटू स्कूल जा रहा है, हर्षी नहीं जा रहा है आज, क्योंकि वो गिर गया था बाथरूम में तो उसके हाथ में चोट लगी है। तो सुबह मैं उसे उठाई सुबह सुबह, तो बोला कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर हर्षित नहीं जाएगा तो छोटू यहाँ तैयार हो रहा है। और छोटू इसको बार बार चिढ़ा रहा है कि नहीं मम्मी नौटंकी कर रहा है, इसके चोट नहीं लगी हुई है, जानबूझ के नहीं जा रहा है स्कूल। तो बोला नहीं मम्मी सच में मेरे दर्द हो रहा है। तो फिर इसके पापा भी बोले रहने दो, अगर दर्द हो रहा है तो मत जाओ स्कूल, यहीं पढ़ाई करो। तो हर्षित नहीं जाएंगे, छोटे चंद हमारे आराम से तैयार हो रहे हैं, लेट भी होने वाला है स्कूल के लिए, फिर भी तैयार हो रहे हैं आराम से। और आज इनके बच्चों के पापा भी ऑफिस नहीं जाएंगे, तो आज हर्षित और हर्षित के पापा रूम पे रहेंगे, छोटू जाएगा स्कूल। और छोटू को नहीं पता है कि पापा भी ऑफिस नहीं जाएंगे, नहीं तो इसे पता चलेगा तो ये नौटंकी करेगा जाने में स्कूल। और यहाँ बिल्कुल 5 मिनट रह गया है 8 बजने में, और ये देखो अभी तक ऐसे मालिश ही कर रहा है सिर का। और ये देखो बाल बिल्कुल, आगे छोटा बाल नहीं कराता, गया था बाल कल कटाने और बिल्कुल चाई चूगा करा लिया है पीछे, और आगे बिल्कुल छोटा नहीं कराया। तो इसे मैं डांटी कि आगे भी छोटा करा लिया करो, बोला कि नहीं ये मेरा स्टाइल है। उसके बाद मैं लंच बना ली थी, और आज लंच में पास्ता बनाई हूँ तो छोटू को पास्ता दी हूँ, और हर्षित के लिए टिफिन नहीं लगाई। का टाइम है और मैं गई थी टेलर के पास अपना ब्लाउज लेने। तो यहाँ हमारा ब्लाउज सिल गया जो वो साड़ी पहनूंगी करवा चौथ पे। और यहाँ हमारे पति देव लगाए थे शर्त कि तुम्हारा जो ब्लाउज है नहीं सिल पाएंगे वो टेलर करवा चौथ पे, पर मैं इनसे शर्त लगाई थी कि नहीं आज मेरा ब्लाउज मुझे मिल जाएगा। तो ये बोले कि नहीं लगा लो शर्त नहीं, पर यहाँ हमारे पति जो है पति देव वो हार गए शर्त, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ब्लाउज सिल गया है, थोड़ा सा टाइट यहाँ जो बाजू है वो टाइट था। तो मैं दी थी ठीक करने के लिए, उन्हें पता नहीं था कि मुझे पता है कि मेरा ब्लाउज सिल गया है, और मैं ले आके एक बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद दी थी ढीला करने के लिए। तो ये बार बार यही बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारा ब्लाउज नहीं सिल जाएगा। और इस बार का जो ब्लाउज का गला है तो हमारे पति देव देख के बोल रहे हैं ये कैसा गला है, कैसे पहनोगी इसे। बोले आप टेंशन मत लो, ये ब्लाउज मैं पहन लूँगी और पहनने पे बहुत अच्छा लगेगा। है हमारी करवा चौथ की छोटी सी शॉपिंग। तो ये है मम्मी के लिए साड़ी, तो भी मुझे मेकअप का सामान लेना है। और तो ये है कलर, आलता बोलते हैं यहाँ। और ये है नेल पेंट, ये है सिंदूर, ये है काजल, ये है बिंदी, और ये काजल, और ये है बिछुआ। ये बिछिया है, बिछुआ बिछिया, हम बिछुआ बोल दी, सॉरी बिछिया। तो ये है मम्मी के लिए बिछिया, और ये है मम्मी के लिए साड़ी, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो ये मम्मी के लिए साड़ी है, और ये मैं मेकअप का सामान, और ये मैं आलता ली हूँ लगाने के लिए पैर में। और ये आलता बहुत अच्छा है यार, इसमें ना हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, देखो इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, ये कॉटन लगा हुआ है। तो ये आप ऐसे टेढ़ा करके देखो, ये मेरा पैर है तो ऐसे ऐसे करके लगा लोगे, अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। तो ये बहुत आसान है लगाने में, हाथ भी गंदा नहीं होता, आसानी से लग भी जाता है। तो हमारे पति देव देखे तो बोले ये वाला ले लो, इसमें हाथ भी गंदा नहीं होगा। मैं सोच ही रही थी तब तक उनकी नज़र पड़ी, तो वो बोले कि ये वाला ले लो। तो ये बहुत अच्छा है लगाने के लिए पैर में।
ये है आलता और ये सब मेकअप का सामान, ये नेल पेंट वगैरह है और ये मैं पैकेट ही ले ली और इतना सारा मैं क्लचर ली हूँ। और ये वाला क्लचर मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे बाल इकट्ठा करके जैसे जूड़ा बनाते हो ना, सारे बाल इकट्ठा करके लगा लो तो सही रहता है। और ये है चूड़ी और ये भी मेरे पास एक साड़ी है उसकी सेट ले ली चूड़ी। और इसके साथ ये कड़ा ले ली मैं, ये मैच कर रहा है इसमें। हल्दी वल्दी जैसे शादी में पहनो, हल्दी के लिए साड़ी जो पहनो उस पर चल जाएगा, हल्दी कलर है। और ये है करवा चौथ पे जो मैं साड़ी पहनूंगी उसका, उसके लिए चूड़ी ली हूँ और इसमें सेट लगाने के लिए ये ली हूँ कड़ा। तो ये है 8 कड़े हैं, 4-4 कड़े हैं एक हाथ के। और ये है मेरा पायल बिछुआ, बिछुआ ही बोलते हैं, बिछिया बोलते हैं हम, बिछुआ ही बोलते हैं। तो ये है बिछिया। और ये मैं पहले दूसरी डिजाइन देख रही, फिर सुनार जो भैया थे वो बोले कि वाली डिजाइन ले लो, आपके पायल से मैच कर रहे हैं। तो अच्छी भी लग रही थी, मुझे नए डिजाइन भी मिल गया और मेरे पायल से मैच भी कर रहा है। तो इससे मैचिंग भैया इससे मैचिंग लगा के दे दिए, बोले कि देखो ये डिजाइन भी नई डिजाइन आई हुई है और ये आपके पायल में जैसे नग लगा हुआ है इसमें भी है, तो घुंघरू में जो ये लगा हुआ है मोती और इसमें नग लगा हुआ है तो मैच करता हुआ भैया बोले कि ये ले लो तो अच्छा है। और अच्छा भी लगा, इनको भी पसंद आया, मुझे भी। और मुझे ना पतला पायल पसंद रहता है, मोटा पायल मेरे पास रखा है मैं कभी नहीं पहनती। मैं सोच रही हूँ उसे चेंज करा के मैं ऐसे पतले पतले पायल ले लूँ, मुझे मोटा पायल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ये है मेरी करवा चौथ की छोटी सी शॉपिंग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।